वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टेक्नोजॉब राजस्थान। दोस्तों, ये रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन जो है आपके आंध्र प्रदेश से आया हुआ है, ठीक है। अब इसमें अपन वैकेंसी की बात करते हैं तो स्टाफ नर्स का है, फार्मासिस्ट का है, लैब टेक्नीशियन का है, रेडियोग्राफर का, बायो स्टेटिशियन का है, ठीक है, रिसेप्शनिस्ट का है, ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का है, ट्रेट असिस्टेंट का है और नर्सिंग ऑर्डिनरीज का है, ठीक है। स्टाफ नर्स का वैकेंसी यहाँ पर 59 है, ठीक है, फार्मासिस्ट का 10 है, लैब टेक्नीशियन का 1 है, रेडियोग्राफर का 3 है, ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का 31 है, नर्सिंग ऑर्डिनरी का 52 है। सैलरी यहाँ पे साथ के साथ में इन्होंने मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो स्टाफ नर्स का यहाँ पे 34,000 है पर मंथ है, फार्मासिस्ट का 28,000 है, लैब टेक्नीशियन का 28,000 है, रेडियोग्राफर का 17,000 है। इस प्रकार सभी का यहाँ पे जो है सैलरी भी इन्होंने मेंशन कर रखा है। और वैकेंसी जो है यहाँ पे आपका देख लीजिए, अपॉइंटमेंट जो होगा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है और आउटसोर्सिंग बेसिस है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, वो सारी चीज़ भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जिसने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, इसका जो लास्ट डेट है आपका 6/7/2020 है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है istgodavari.nic.in है, यहाँ से आप जो है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो, फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर द एबव पोस्ट आर टू बी सबमिटेड टू द ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ऑफ हॉस्पिटल सर्विस, ठीक है, AG डिस्ट्रिक्ट राजा महेंद्र वर्म ऑन बिफोर 6/7/2020, ठीक है। वैकेंसी डिटेल मैंने आपको पहले ही बता दी थी, दोबारा इन्होंने मेंशन कर रखा है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन आप देख लीजिए, स्टाफ नर्स का जो है JNM BSc नर्सिंग दे रखा है, फार्मासिस्ट का जो है आपका पास्ट इन एंटर विद साइंस, ठीक है, और फार्मेसी भी फार्मेसी दे रखा है। लैब टेक्नीशियन का जो है पास्ट इन इंटरमीडिएट विद DMLT होना चाहिए। रेडियोग्राफर में आपको इंटरमीडिएट विद CRA सर्टिफिकेट मस्ट बी रजिस्टर ऑफ स्टेट पैरामेडिकल बोर्ड से होना चाहिए। इस प्रकार यहाँ सभी का इन्होंने जो है क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है क्वालिफिकेशन का। तो अब अपन बात करते हैं 8 नंबर की जो वैकेंसी, थोड़ा हट के वैकेंसी है ट्रीट असिस्टेंट की, ठीक है। इसमें आपका जो है SSC चाहिए, इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद पास्ट सर्टिफिकेट कोर्स एंड विद मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर का चाहिए MNO के अंदर, ठीक है। 9 नंबर का जो वैकेंसी, ये भी थोड़ा हटके, इसमें भी आपको SSC चाहिए, इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद फर्स्ट एड सर्टिफिकेट कोर्स चाहिए। तो इन दोनों वैकेंसी को आप ध्यान से देख लीजिए, जिनके पास फर्स्ट एड है 8 नंबर और 9 नंबर की, तो वो इन पोस्टों पर अप्लाई कर सकता है। 8 नंबर की वैकेंसी आपकी जो है 3 है और 9 नंबर का जो वैकेंसी है आपका 52 है। तो इस प्रकार आपका टोटल वैकेंसी हो जाता है 55 है। तो 55 पर जिनके पास फर्स्ट एड है वो अप्लाई कर सकते हैं। बहुत कम वैकेंसी ऐसे होती है जो किसी की नज़र में होती है और उसको हर कोई बताता नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको हम पैरामेडिकल से रिलेटेड ऐसी वैकेंसीज बताएंगे जिनके बारे में हर कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए। यहाँ पर एज रिलेक्शन देख लीजिए आप, एक्स सर्विसमैन को 3 ईयर का है, NCC को 3 ईयर का है, ST/SC को 5 ईयर का है, फिजिकल हैंडीकैप को 10 ईयर का है। जनरल सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें अपन, तो यहाँ पर देख लीजिए आप, रूल ऑफ रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग आपका जो है सिलेक्शन किया जाएगा। हाउ टू अप्लाई कैसा करना है आपको, तो एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द इंस्ट्रक्शन कैन बी डाउनलोड फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट। तो आपको जो है वहाँ से इंस्ट्रक्शन डाउनलोड कर सकते हैं आप ऑफिशियल वेबसाइट से, और फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको जो है 6/7/2020 से पहले जो है यह फॉर्म अप्लाई करना है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ देख लीजिए, आपको क्या क्या लगाना है, सेल्फ अटेस्टेड जेरोक्स कॉपी, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए आपको, इंटरमीडिएट एंड डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए, क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट चाहिए, मार्क्स मेमो ऑफ ऑल ईयर का चाहिए, ठीक है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ रेस्पेक्टिव काउंसिल से चाहिए, आंध्र प्रदेश पैरामेडिकल बोर्ड से, लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, स्टडी सर्टिफिकेट फॉर द ईयर फॉर्म फर्स्ट क्लास एंड 10th क्लास का चाहिए, और फिजिकल हैंडीकैप सर्टिफिकेट चाहिए, रिलेवेंट सर्टिफिकेट इन रेस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट क्लाइमिंग एक्स सर्विसमैन का चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट या आउटसोर्सिंग सर्विस सर्टिफिकेट चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको फॉर्म को अप्लाई करते वक्त आपको चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी चाहिए। कंडीशन ऑफ अपॉइंटमेंट यहाँ पर आप ये देख लीजिए, आपको वैसे मैं PDF का लिंक दे दूँगा, तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में जा करके ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो डिटेल आप नोटिफिकेशन आराम से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। और इसके लास्ट डेट जो है मैं पहले बता चुका हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ, 6/7/2020 से 5 PM तक। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर।